नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की गुटी राजनीति के बारे में। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जिस तरह से बाजी पलटी है या पासा पलटा है, वो समझ में नहीं आ रहा उनके कट्टर समर्थकों को। कल तक जिन सिंधिया जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वे कांग्रेस से नाराज हैं और उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उन्होंने ट्विटर हैंडल पर अपना डेजिनेशन चेंज कर लिया, जनसेवक और क्रिकेटर लिख लिया, उस सब के बाद राजनीति में एक अलग उफान था। किंतु आज कमलनाथ जी के साथ एक हेलीकॉप्टर यात्रा मुरैना तक की और साथ में उनकी बातचीत, उसके बाद जो सुर बदल गए हैं वो उनके समर्थकों को हैरान करने वाले हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या कुछ कांग्रेसी नेता अपनी बात मनवाने के लिए कमलनाथ सरकार पर, कमलनाथ पर दबाव बना रहे हैं? और अगर ये दबाव बना रहे हैं तो ये कितना वाजिब है और कितना गैर वाजिब है? इस सब के बीच आम कांग्रेसी नेता, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता कहाँ हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। मैं बात करूं अगर बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की, कांग्रेस से जिसको कहें नए नेता हैं परंतु नौकरशाह के रूप में उनका जो अनुभव है वो हमें उससे भी अवगत कराएंगे, साथ साथ कांग्रेस की पॉलिसी के बारे में भी बताएंगे। आज़ाद सिंह डबास जी यहाँ मौजूद हैं तो वो हमें बताएंगे कि सब कुछ क्या चल रहा है और इनके मायने क्या हैं। बात करूं अगर हम वरिष्ठ पत्रकार की तो विशेष शर्मा जी हैं, वो यहाँ अपना दृष्टिकोण रखेंगे। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है डबास जी, कि कल तक ये कहा जा रहा था कि सिंधिया जी बहुत नाराज़ हैं, उनके समर्थक भी निरंतर उबल रहे थे कि सिंधिया जी तो पार्टी भी बना सकते हैं, एक जिस तरह से उन्होंने ट्विटर हैंडल पर अपना पूरा पेज चेंज कर दिया था, अपने डेजिनेशन चेंज कर लिए थे, वो अब क्या हुआ? आज उन्होंने कहा कि मैं तो नाराज़ नहीं हूँ, कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। अब ये तो सिंधिया जी ही बता सकते हैं कि उनके मन में क्या है। जो हम देख पा रहे हैं वो तो जो समाचार पत्रों में आ रहा है, पहले आया कि ट्विटर हैंडल चेंज किया, उस पर जनसेवक लिखा, तो जनसेवक तो मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल जो चाहे छोटा नेता है या बड़ा नेता है, हर कोई जनसेवक ही है। इवन अधिकारी भी जनसेवक की श्रेणी में ही आते हैं। तो जनसेवक का लिखना कोई बहुत, कम से कम मुझे तो नहीं चौंका था। हो सकता है उन कांग्रेस शायद उससे हटा था, ऐसा लगता है कि उसका कुछ मुद्दा बना। और आज जब कमलनाथ जी के साथ दिखे हैं तो बात कुछ और तरह की हो रही है। मेरे हिसाब से सिंधिया जी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं और रहेंगे। ये जो गवर्नमेंट जो बिल्कुल फ्रिंज पे बनी हुई है, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पे ही सरकार बनी है, इस कारण से कुछ इस तरह के चलता रहता है। कुछ मीडिया का कह लीजिए, कुछ आम जनमानस इस तरह का सोच विचार करता रहता है कि पर आज दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और उनको कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया है, वो भी काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे हैं, गाहे बगाहे टिप्पणी भी करते हैं। आज उन्होंने भी अपना ट्विटर हैंडल चेंज करके उस पर कांग्रेसी विधायक हटा दिया है, उन्होंने सिर्फ विधायक कर दिया है, उन्होंने गायक कर दिया है और कृषक कर दिया है। तो ये क्या दर्शाता है? ये कोई नई परंपरा शुरू हो रही है कांग्रेस में या फिर ये सामान्य बात नहीं? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पद चाहिए, बड़ा पद चाहिए। अब हर आदमी मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तो बन नहीं सकता। विधायकों का एक परसेंटेज बना हुआ है, अगर पहले की बात होती 15% की सीलिंग नहीं होती तो पहले बनते ही थे और भी लोग बन सकते थे। अब ये कुछ अंदरूनी समीकरण में शायद फिट नहीं हो रहे हैं, तो एक स्पेस पाने के लिए भी आदमी इस तरह की बात करता रहता है, भले ही उससे पार्टी का ही नुकसान क्यों ना हो, भले ही उससे गलत मैसेज ही क्यों ना जाए।
पूरी उम्र हमें ही पूरी ताकत रहे, हमें ही सब नहीं, कुछ पर मिले। यहाँ डबास जी एक बात और भी उठती है कि जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है उसमें आप देख रहे हैं जो जूनियर हैं वो तो मंत्री बन गए हैं, पर अगर 5-6 बार से कोई जीतता हुआ आ रहा है, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हों, केपी सिंह जी हों, या अन्य बात कर लें बिसाऊ लाल सिंह हों, ऐदल सिंह कंसाना हों, ये सब इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि मतलब कोई सीनियरिटी का ध्यान ही नहीं रखा गया है। नहीं, इसमें थोड़ा बहुत ये पॉइंट समझ में तो आता है, लेकिन लेकिन कौन आदमी सिर्फ सीनियर होना ही पर्याप्त नहीं है मंत्रिमंडल के लिए। वो आप मेंटली फिजिकली साउंड हैं नहीं हैं ये भी देखना चाहिए, और कौन लगातार पार्टी का लॉयल रहा है। जहाँ तक जिस कि आप अभी बात कर रहे थे, मुझे अगर ठीक ध्यान पड़ रहा है तो 2-1 बार से वो बीजेपी के भी सांसद रहे हैं। कभी हमें जब यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहाँ चले जाते हैं, उधर मिलती है तो हम उधर आ जाते हैं। अब इस तरह से आजकल कुछ वो इस तरह का जो गेम है वो बहुत ही खराब है राजनीति के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा पद नहीं मिलते, थोड़ा सा शांति सहजता भी होनी चाहिए। अगर हमें नहीं मिला है तो आगे मिल जाएगा। ऐसा भी क्या है कि अब ठीक बड़े मुश्किल से 15 साल के बाद सरकार बनी है, आप उसको आप उसकी अस्थिर ना कर पाए, पोजीशन खराब स्थिर तो क्या कर पाएंगे, लेकिन एक भ्रम की स्थिति अनावश्यक रूप से जनता के बीच पैदा होती है। एक स्थिर सरकार चले, एक अच्छी सरकार चले, लोगों को डिलीवरी दे, पर वो डवास जी महत्वपूर्ण है। आपकी प्रशंसा करनी होगी, इतनी दमदारी से और इतनी बेबाकी से आप बात कहते हैं, वाकई आप साधुवाद के पात्र हैं। दर्शक भी आपकी बात सुनते हैं, और कम से कम आज के परिवेश में जो कांग्रेसी नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं उनको ये देखना चाहिए कि जनता नेताओं से क्या अपेक्षा करती है। मैं देखता हूँ कई बार कि जब हम डिबेट पे लोगों को बुलाते हैं तो कई तो कांग्रेस से ऐसे नेता आते हैं, ऐसा लगता है जैसे भांडगिरी करने ही आए हैं सिर्फ। जो गलत है तो भी रटते ही रहेंगे उसको कि नहीं साहब ये तो सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं श्याम जी आपसे पूछना चाहूँगा, जो बात डबास जी ने कही बड़ी बेवाकी से कि ठीक है लोगों के अपने हित हैं, इस चक्कर में वो पार्टी को या सरकार को अस्थिर कर देते हैं, बीजेपी को क्या लगता है ये जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है ये सिर्फ पद पाने की लालसा है या वाकई कुछ अच्छा करने की ललक है लोगों के मन में? नहीं, इसमें ये आपस में सामंजस्य की कमी है और इसके कारण न सरकार का में जो रजट डालना चाहिए वो आ पा रहा है, न प्रशासन में वो रजट डाल रहा है, और जिन लक्ष्यों को लेकर जिन सपनों को दिखाकर सरकार बनाई थी उनको पूरा करने में कमी रह रही, उनको पूरा करने में तकलीफ जा रही है। हम तो ये चाहते हैं कि ईश्वर सबको सदबुद्धि दे और जल्दी उस रास्ते पर चलें जिसके लिए जो इन्हें वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, उस तरफ चलें। हमने सुना था कि बड़ा शोर था सीने में दिले, हम समझ रहे थे कि महाराज साहब ये जो आम जनता की लड़ाई जिसको वो कह रहे थे कि मैं आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ उसको बड़े दमखम से लड़ेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इसका पटाक्षेप ऐसे होगा ये तो शायद किसी की कल्पना में भी नहीं होगा। क्योंकि वो अभी वो मुद्दे जो उठाए गए थे, कर्ज माफी का मुद्दा है, योजनाओं को पूरा करने का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कोई एक नहीं और अकेले महाराज साहब नहीं, कभी महाराज साहब उठाते हैं, कभी दूसरे मंत्री उठाते हैं, कभी कोई सांसद उठाते हैं, वही मुद्दा लक्ष्मण सिंह जी से वरिष्ठ नेता है वो उठाते हैं। और मतलब ये सही उठा रहे थे, अभी नहीं उठा रहे कुछ लोग। हाँ, सिंधिया जी के बारे में क्या कहेंगे, वो वाकई संजीदा हैं कि अपने जिसको कहें गुट को मजबूत करना चाहते हैं या वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं? नहीं, सिंधिया जी कांग्रेस के साथ साथ अपने आप को भी मजबूत करने के उसमें थे, योजना में थे कि किसी तरह मुझे ताकत मिले, और शायद उनको ये रास्ता नजर आया होगा, पर मेरे ख्याल से अभी ये मंजिल नहीं है, इतनी जल्दी वो थक कर। नहीं, पर इन सब का असर उनके समर्थकों पे क्या पड़ता होगा जो उनकी उपेक्षा के बाद बिल्कुल उग्र हो जाते हैं, बयान दे देते हैं कि साहब इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है सिंधिया जी में कि वो नई पार्टी बना सकते हैं, फिर उसके बाद उनको भी जिसको कहें 4 कदम आगे बढ़ के फिर 4 कदम पीछे हटना पड़ता है। जब हम कोई लड़ाई को अधबीच में छोड़ते हैं, जब लड़ाई पीक पर आए तब उस लड़ाई को हम समझौते में बदलते हैं, राय मशवरे में बदल देते हैं, उस लड़ाई को छोड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम थक गए इस लड़ाई से, तो कार्यकर्ता डिमोरलाइज होता है, कार्यकर्ता हताश होता है, और फिर उसमें लड़ाई का मादा
कम होता है, ये स्थायी नुकसान होता है। और इसलिए हमको जिन मुद्दों को लेकर हम चले थे उन मुद्दों पर जब तक परिणाम न दिखाई दे तब तक आप सलाह दे रहे हैं कि सिंधिया जी को भड़का रहे हैं? नहीं, ये इतना भड़का रहा मैंने तो पहले कहा कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे कि जो संकल्प को लेकर चले थे वो संकल्प पूरा करने में हम लगे हैं, लेकिन हाँ जब तक उसने कोई परिणाम ना दिखाई दे तब तक फौज हमने देखा हुआ, फौज में भी कई बार जब लड़ाई होती है, एक बार भारत की लड़ाई हुई। ठीक बात है, मैं अगला सवाल पूछूंगा विशेश्वर जी। ये जो गुटी समीकरण और संतुलन की राजनीति चल रही है, इस बीच सिंधिया जी का पहले तो एकदम रुष्ट हो जाना और आज अचानक एक अलग तेवर में नजर आना, ये क्या हाईकमान की तरफ से कुछ निर्देश है या कमलनाथ जी ने उनको गले लगा लिया फिर से, उसका ये परिणाम दिख रहा है कि एकदम बयान बदलते हुए नजर आए? पुरानी जो बातें उन्होंने उठाई थी उसके बारे में कुछ पूछताछ ही नहीं। देखिए सिंधिया जी का सवाल जहाँ तक है, सिंधिया जी व्यक्तिगत तौर से इस तरीके का निर्णय नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर एक जवाबदारी है विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, एक बड़ा समूह उनसे जुड़ा हुआ है, और यदि वो विधायक या मंत्री रहते हुए असंतुष्ट होते हैं तो वो अपेक्षा रखेंगे अपने नेता से, और उनके नेता चूँकि जो तरह से सिंधिया हैं, और यदि सरकार में उनके गुट की बात नहीं सुनी जा रही तो निश्चित तौर से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, चाहे उसका तरीका कोई सा भी हो, वो उनको करना ही पड़ेगा। वो नाराज़गी भी प्रकट कर सकते हैं, और यदि उनकी बात मान ली जाती है तो वो फिर उसके बाद सरकार के समर्थन में भी बात करते हैं। अभी पहले उनकी नाराज़गी थी और उन्होंने, पर जिन नाराज़गी के मुद्दों को अगर हम चर्चा में लाएँ तो किसानों की कर्ज माफी 2 लाख तक की बात थी, कांग्रेस सरकार ने कहा, परंतु 2 लाख तो कर्जा नहीं माफ हो पाया, इस पर उन्होंने लेटर लिखा। उन्होंने मुरैना में बिजली की अघोषित कटौती के बारे में चेताया। उन्होंने रवि सीजन में जो सरकार द्वारा बोनस देना था कृषि उपज पर, वो 160 रुपये बोनस नहीं मिलने की बात उठाई मुरैना और आसपास के क्षेत्रों की। इसके अलावा और भी ऐसे कई मुद्दे उठाए जिसे लेकर लग रहा था कि सरकार एकदम इन पर कार्रवाई करेगी, पर वो कुछ हुआ तो नहीं, पर सिंधिया जी जरूर कहने लगे कि नहीं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही। ये समस्याएं जो आपने गिनाई हैं, चाहे वो किसानों की हो, बिजली की हो या अन्य समस्याएं हैं, आखिर ये सीधे जनता से ही जुड़ी होती हैं, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हों या कार्यकर्ता हों, जब उनके मन में असंतोष होगा तो उन सारे कार्यकर्ताओं को और विधायकों को लेकर चलने वाला जो भी वरिष्ठ नेता है उसकी तकलीफ तो जाहिर है, और वो अपनी तकलीफ को अभिव्यक्ति करेगा ही, चाहे वो नाराजगी के तौर पर माध्यम कोई सा भी हो। और उन्होंने जो अपनाया कि ट्विटर पे उन्होंने भी उस बात को जाहिर किया और फिर बाद में सरकार तक बात पहुंची, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, तो उनको साथ में लिया गया, और शायद संभवतः जो मुरैना गए हैं उस बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री ने कमलनाथ जी ने उनको कुछ हद तक संतुष्ट किया होगा, और उस संतोष के बाद पर समस्याएं तो जहाँ की तहाँ हैं। जो मंत्री हैं वो इसी बात पे परेशान है, चाहे प्रद्युम्न तोमर हों, इमरती देवी हों, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जो सिंधिया खेमे से आते हैं, पर वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनके महकमे में जिन अफसरों की पोस्टिंग की गई है वो उनकी सुनते ही नहीं है। तो ऐसे में जो जनता के काम हैं वो हो ही नहीं रहे हैं, मंत्री को खुद नाले में कूद कर सफाई करनी पड़ रही है, मंत्री ये कहती नजर आ रही हैं कि साहब मैं तो ट्रांसफ़र कर नहीं पाऊंगी तो सस्पेंड कर सकती हूँ, इस तरीके की बातें भी तो निकल कर आ रही हैं। ये हताशा की स्थिति में तो व्यक्ति इस तरीके की बातें करेगा ही, यदि सरकार के माध्यम से उनके काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो अफसर जिम्मेदार हों उसके लिए या और गुटबाजी उसके लिए कोई जिम्मेदारी हो, तो ये चीज़ें जो हैं यदि असंतोष होगा तो इस तरीके की बातें स्वाभाविक रूप से ऊपर आएंगी, और उसका निराकरण के लिए सरकार के मुखिया को उसको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि इस तरह की। तो ये सिर्फ आश्वासन पर ही रवैया बदल गया या फिर वाकई कुछ ऐसा ठोस हो गया है जिससे सिंधिया जी को लगता होगा कि नहीं, एकदम बड़ा विरोध करना उचित नहीं होगा? यदि कुछ ऐसा ठोस होता तो वो सामने जाहिर होता, लेकिन ऐसी कोई चीज़ तो अभी आई नहीं है कि समस्याओं का तुरंत निराकरण हो गया हो। निश्चित तौर से कुछ आश्वासन ही दिया होगा, और उस आश्वासन के बाद ही उनको ये कहना पड़ा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, अन्यथा उस बात से कौन इनकार करता कि आप कांग्रेस से जुड़े नहीं हों। बिल्कुल, यहाँ मैं डबास जी आपसे जानना चाहूँगा कि विपक्ष
ये बातें नहीं उठा रहा, यानी बीजेपी ये बात नहीं उठा रही कि कहाँ गड़बड़ घोटाला है, कहाँ अव्यवस्था है, कांग्रेस के लोग ही उठा रहे हैं कि साहब पौधरोपण में इतने करोड़ का घोटाला हुआ, संबंधित विभाग के मंत्री नोटशीट लिख रहे हैं, उनका ACS लिख रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना हमको, UWC ने वापस बोल दिया। तो ये क्या दर्शा रहा है, इस समय कांग्रेस ही हावी है या और कोई हावी हो गया पूरे सिस्टम पर? नहीं, दरअसल देखिए, अगर मिनिस्टर सक्षम है और वो अपने जो पॉइंट वो उठा रहे हैं वो वैलिड है और वो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं वास्तव में, तो किसी भी ब्यूरोक्रेट की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वो उस आदेश का पालन ना करे। नहीं कर रहे ना, वन विभाग के ACS आपको पता है AP श्रीवास्तव ने जो उन्होंने नोट शीट भेजी थी कि पौधरोपण घोटाले में ये गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच UWC से कराई जाए, उन्होंने उस नोट शीट को वापस कर दिया। नहीं नहीं, मुझे मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है, तो मंत्री जी को ये मसला जो है वो मुख्यमंत्री के लेवल पर टेकअप करना चाहिए और इसका इस पर डिसीजन कराना चाहिए। ACS कौन होते हैं, अगर उसमें ये पॉइंट है, उसमें पॉइंट है, क्योंकि एक दिन में 7 करोड़ पौधे लगाने को सफल कोई भी नहीं बना सकता। वो एक मजाक था, वो एक फॉल्स रिकॉर्ड बनाने का प्रयास था। यूपी में 22 करोड़ लगे हैं, मैं आपको 22 करोड़ का प्रयास किया गया यूपी में, वो भी सब ऐसे ही गया। ये इस तरह का जो हम एक दिखावा करते हैं, एक ढोंग करते हैं, जैसे पूरी नर्मदा यात्रा ही ढोंग थी, तो नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण भी ढोंग था और वो उसका रिजल्ट सामने है। लेकिन अब एक 4-3 मिनिस्टर की कमेटी बिठा दी, वो तीनों मिनिस्टर अब मीटिंग तक नहीं कर पा रहे, उसको आगे नहीं ले जा रहे, एक अखबार में छपा के सब छठी जांच एक आदेश हो रहा है, तो क्या है, कहीं ना कहीं कोई उसमें एकरूपता नहीं है, कोई कौन लीड करेगा यही तय नहीं है। अभी कल ही आज वो हट गई गौरी सिंह, कल उसने ACS ग्रामीण विकास के एसएच से 4-6 बिंदु का पॉइंट दिया कि जियो टैगिंग से हम तो वो करा के देंगे। सबसे ज़्यादा घपला तो ग्रामीण विकास विभाग में ही है, हॉर्टिकल्चर विभाग में है, इन विभागों में ज़्यादा है जहाँ कोई लेना देना नहीं। वन विभाग का भी मिलेगा, वन विभाग में भी मिलेगा, लेकिन उनका कहीं ज़्यादा है, वहाँ तो खरीदी भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। लेकिन इस इंटीग्रेटेड कौन इसको कोऑर्डिनेट करके जो फाइनेंस मिनिस्टर के तहत विधानसभा के प्रावधान से कमेटी बनी, वो बैठेगी नहीं कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि कौन गंभीर है कौन नहीं है। वन मंत्री का अकेले का रोल नहीं है, वन मंत्री सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक सीमित हैं, इसमें 6-8 डिपार्टमेंट हैं जिसमें सब में गड़बड़ हुई है। और ये तो एक छोटा घोटाला है 500 करोड़ का, लाखों के जो घोटाले हैं, ई टेंडरिंग का घोटाला देख लीजिए आप, माइनिंग का घोटाला देख लीजिए आप, व्यापम ही देख लीजिए, पिछले 6 साल से चल रहा है और अब जाके कोई छोटी मोटी सजाएं हुई हैं। तो सरकार को जिन मसलों पे चुनाव जीता, जिस भ्रष्टाचार का, जिस जन आयोग की बात की कि जन आयोग बनाएंगे और इसकी जांच कराएंगे, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस पर कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस उनको लेना चाहिए कि सारे घोटाले सामने आने चाहिए जनता के। जब तो घोटाले सामने आएंगे तो पुरानी पार्टी का सब लेखा जोखा सामने आ जाएगा। अगर आप उसको दबा के बैठे रहेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि जितना भी इल्जाम लगाए गए, सवाल ये है कि जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जिन चीज़ों का उल्लेख किया कि साहब हम इस व्यापम घोटाले की जांच कराएंगे, पथ वृक्षारोपण जो भी था नर्मदा किनारे उसकी जांच कराएंगे, ऐसे कई मामले थे जिनकी जांच के लिए कहा, पर प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस ही उस घोटालों को दबा रही है। जैसे आज ही की एक घटना देखिए कि हनी ट्रैप के मामले में जो आरोपी है एक हरभजन सिंह, वो आज खुलेआम कंट्रोल रूम में पहुंच गया, लोगों को बधाई दे रहा है, ये है खुश और इधर से उधर ऐसा लग रहा है जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई अवार्ड लेकर आया हो हनी ट्रैप जैसे, मतलब जिसको कहें गंदे काम में शामिल था, पर उसको पूरी तरह से तवज्जो मिल रही है। ये क्या हो क्या रहा है, और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको बचा रही है सरकार? देखिए, मेरा मानना है कि हनी ट्रैप सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं है। इस हनी ट्रैप में जो चल रहा था उससे प्रदेश का प्रदेश की गरीब जनता के पैसे को लुटवाया गया है सरेआम।
बहुत बड़ी बात, सरेआम लुटवाया गया है। और अगर सरकार इसको सामने नहीं लाती है तो मैं तो कम से कम इसको ठीक नहीं मानता। ये तत्काल सामने आना चाहिए, जो भी कल्प्रिट्स हैं। अब जो 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 सुनने में आ रहा है कि इधर के भी लोग हैं, उधर के भी लोग हैं, ऐसे तो फिर कुछ भी सामने नहीं आएगा। जो भी है वो सामने आए और जो भी गिल्टी है उसको पनिश हो, अदरवाइज तो ये प्रदेश की जनता तो ठगी की ठगी रह जाएगी। सरकार तो आती जाती रहती है, सरकारें महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार 15 साल तक बीजेपी की चली, प्रदेश का कितना विकास हुआ? और अगर उसी पैटर्न पर ये सरकार चलेगी तो प्रदेश का कितना विकास होगा, मैं तो नहीं समझ पा रहा। बिल्कुल, इसको एकदम से जितने भी घपले घोटाले हुए हैं, इंक्लूडिंग हनी ट्रैप, इसकी बहुत तेजी से और बहुत सक्षम तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। हो तो रही है, SIT बना दी है, सब बना दिया है, सब तो चल रहा है, ये कह रही है कांग्रेस। तो कम से कम मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं लगता। बहुत बड़ी बात है। चलिए बताइए श्याम जी, क्या लगता है आपको ये हनी ट्रैप में? तो चूंकि आप ही के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कई बीजेपी के ही कुछ नेता और कांग्रेस के भी हैं, पर बीजेपी के तो कई बड़े नेता भी हैं और साथ साथ कुछ अफसर भी हैं जो बीजेपी के नेताओं के नाक के बाल थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो अभी केवल दिखावे पे, नारों पे, इन पे चल रही थी, वो उसमें जो पिछले साल भर में जो असफलताएं हुई हैं, जो कुछ दिखाने लायक नहीं हुआ, उसको छुपाने के लिए ये ऐसे नए नए विषय आते हैं। और अपराधी तो केवल अपराधी होता है, अगर कहीं कोई किसी ने अपराध किया है तो ना वो इधर का है ना उधर का है, तो बीजेपी उधर का नहीं देखना चाहिए। अपराधी है तो अपराधी तो सही, बीजेपी ऐसे लोगों के नाम सामने क्यों नहीं लाती है कि साहब ये हनी ट्रैप के ये आरोपी हैं जो बीजेपी के हैं, ये आरोपी अफसर वो हैं जो बीजेपी के कार्यकाल में रहे हैं, जिन्होंने उन युवतियों पर लाखों करोड़ों रुपए लुटा दिए, तो आप उनके बारे में आप भी कहिए ना कि हाँ साहब इनकी जांच करिए। आप क्यों मुंह सुन के बैठे हुए? विचार करने का काम हमेशा सरकार का होता है, सरकार आवाज उठाने का काम तो विपक्ष का होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, मैं इसलिए मैंने निवेदन किया कि ना तो ऐसे गतिविधियों में शामिल होने वाला कोई आदमी ना इधर का होता ना उधर का होता, वो इधर और उधर का देखना भी नहीं चाहिए। नहीं, सवाल ये तो उस पर अपराध दायर, चलिए अपराध है तो बीजेपी ने क्या किया इस मामले में? क्यों नहीं आज तक कोई प्रदर्शन किया कि नहीं ये आरोपियों का नाम आप उजागर करिए? नहीं, सरकार ये मुद्दा लाई है नया एक और सरकार उस पर कार्रवाई करे, हम देख रहे हैं सरकार ने। नहीं, आप देख इसलिए रहे कि आपके लोग शामिल हैं उसमें? नहीं, ये बात नहीं है। सरकार जो लंबी लंबी बातें करती है कि यहाँ ऐसा हो गया, इसमें घोटाला, अच्छा, इसमें सुन लीजिए, बाद में उसका परिणाम इसमें जिन बीजेपी के नेताओं के, जिन बीजेपी के रिजीम में जो अफसर थे उनके नाम या ऑडियो वीडियो CD सामने आए, तो उसमें आपने कार्रवाई की मांग क्यों नहीं उठाई? नहीं, सरकार का काम सारी ऐसी गतिविधियों में परिणाम तक पहुंचाने का होता है, सरकार उसको परिणाम तक पहुंचाए तो आप उठाओ तो सही। उठाने का प्रश्न नहीं है इसमें, मांग नहीं, आप पोषण आहार घोटाले को उठा सकते हैं, इसको नहीं उठा सकते? नहीं, उसको भी उठाओ और इसको भी उठाओ, दोनों को उठाओ ना। कह रहा है सरकार क्या कोई हम उठाएंगे तब कार्रवाई करेगी? हाँ बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका आपको क्यों दी है? सुनिए तो सही श्याम जी, विपक्ष की भूमिका आपको जनता ने क्यों दी है? इसीलिए दी थी ना, क्या वो भी नहीं निभा पा रहे ठीक ढंग से? अभी विपक्ष का काम आने तो दीजिए, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार अपने ही आपस के विवादों में, अपने ही आपस के मतभेदों में सरकार एक के बाद एक फंसती चली जा रही है, हर महीने रोज नया मुद्दा उठता है। ये कुतर्क है या फिर वाकई आप इस हनी ट्रैप से बचना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हनी ट्रैप का मतलब भाजपा से, हनी ट्रैप का भाजपा से, हनी ट्रैप का भाजपा के कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं। सरकार अपने ढंग से कार्रवाई करे, अगर उसके कार्रवाई में जो कार्रवाई में आएगा उसके मिनट्स को पूरा करें, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है तो बोलो तो सही। आप तो ऐसे मुंह सिल के बैठे हुए हैं, आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता, कि ऐसा लगता है जैसे ये भी इनकी भी भूमिका है उसमें हनी ट्रैप में। नहीं, भूमिका तो बिल्कुल नहीं है, और सरकार को अपने जो बातें सरकार करती है उसको खुद पूरा तो करना चाहिए। अभी जो वीडियो आए सामने जिनको आपने भी देखा, तो उन वीडियो को देखकर आपने क्यों नहीं कहा कि ये फर्जी हैं या सही है? करे, मैंने तो नहीं देखा, मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें यहाँ दिखा दें क्या आपको? लोकतंत्र में ना होना चाहिए नहीं, और ये कहना भी बुरा लगता है, हम आखिरकार जनता के नहीं, यहाँ दिखा दें क्या आपके कुछ नेताओं के वीडियो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जनसेवा, हमारा अच्छा चेहरा जनता के सामने जाए, हम अच्छे काम करें,
और अगर गड़बड़ होती है, गलती होती है, तो कानून अपनी जगह है, वो अपना काम करे, ये उम्मीद रहती है सबकी, हमारी भी उम्मीद रहती है। तो बोलो भी तो सही कि हाँ ये आपका नेता है, पूर्व नेता है, नया नेता है, बताओ तो सही। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी संगठनात्मक गतिविधियों में काम में लगी है, हमारा अभी छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे आप। निवृत्त हुए हैं, इसके आगे के और चुनाव होना है, हम उस काम में लगे, लेकिन ऐसे भी जो और इस काम में जो लगे हैं हनी ट्रैप में, उनका क्या बात करते हैं, उस पर भी लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, जो इस काम में लगे हैं हनी ट्रैप में, उनका क्या? नहीं, वो हनी ट्रैप पे लगे हैं, सरकार बड़ी लंबी लंबी घोषणाएं कर रही है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहले ये तो देखेंगे वो क्या करती है, उसके पास कितने, मतलब यहाँ भी आप सरकार को सबूत है जो वो कहती है, यहाँ भी सबूत तो दिखाए वो, यहाँ भी आप सरकार को उकसा रहे हैं कि करो बीजेपी के नेताओं को। नहीं, उकसाने का प्रश्न नहीं है, हम ये कह रहे हैं सरकार झूठे आरोप लगाना, प्रोपोगंडा खड़ा करना, ये भवंडर खड़ा करना, ये छोड़े, अगर उसके पास कुछ वो होगा तो करे, हो तो करे, जब है ही नहीं तो जबरदस्ती की अपनी कमजोरी छुपाने के लिए। और जो दिख रहे हैं आपके नेता और अफसर, वो नहीं, वो ऐसे ही तो, आ गए के ना, मजे लेने गए थे सब। नहीं, मैं तो नहीं देख पाया। चलिए, दिखाएं क्या आपको यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप चाहे तो दिखा दें। अच्छी चीज हो, कोई देशभक्ति की बात हो, कोई लड़ाई हो, कोई अच्छा मसला हो, ठीक बात है श्याम जी, ठीक बात है। बताइए विशेष जी, क्या वाकई बीजेपी खुद संलिप्त है, इसी वजह से बचना चाहती है? इस प्रकरण में अभी तक जितनी भी वीडियो सामने आए, उसमें अधिकांश जो है वो भाजपा से ही जुड़े हैं या अधिकारी हैं, स्वाभाविक है कि वो अपने आप को उससे बचाना चाहेंगे। लेकिन एक सत्ता पक्ष की जो जवाबदारी है, विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। तो सत्ता पक्ष कैसी भूमिका निभा रहा है इस समय? सत्ता पक्ष अभी इसमें बहुत मंथर गति से काम कर रहा है। मंथर क्या, दबास जी तो खुले आम कह रहे हैं कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक जैसी होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ना, उस जिस गति से काम हो रहा है वो दिखाई ही नहीं रहे है। तो क्या ये यही वजह है कि जिसकी वजह से आम कांग्रेसी नेता, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज है, उसको ये लगता है कि ये सरकार बीजेपी की ही चल रही है, या फिर कुछ लोगों ने, कुछ अफसरों ने कब्जा कर लिया है पूरी सरकार पर, जो बीजेपी में भी थे और वो कांग्रेस में भी हैं, वो कवाड़ा किए दे रहे हैं? केवल एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जो सरकार जो गति नहीं पकड़ पा रही उसके कामों के लिए, जो दिखना चाहिए आम लोगों को वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि सरकार की उपस्थिति है। बिल्कुल दबा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आम जो कांग्रेसी नेता है, कार्यकर्ता है, वो इसलिए हताश है कि जिन मुद्दों को लेकर आपने वचन पत्र में घोषणाएं की, वो सब के सब मुद्दे धराशायी होते नज़र आ रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ही जो अफसर थे, जो उनके नाक का बाल थे, वही जो हैं वो आपके खासम खास बन गए हैं कुछ मंत्रियों के और सिस्टम के, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इसमें संगठन में बैठे भी एक दो नेता आपके जो हैं वो दलाली कर रहे हैं, इस सब का असर पड़ रहा है? देखिए, अब अधिकारियों में जो मैंने अपने समय में गिरावट देखी है, मैं जिस समय सेवा में आया गिरावट का दौर प्रारंभ हो चुका था, अब अति हो रही है। अब तो ब्यूरोक्रेट्स ही चोर रास्ते दिखाते हैं, वही सब बताते हैं और वही सब करवा रहे हैं। यही अधिकारी हैं, अधिकारी तो यही रहेंगे, लेकिन आजकल लोग अलाइंड होने लग गए हैं। जिसकी सरकार आए, अधिकारी अब पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम करता है। पीछे बीजेपी की सरकार थी तो बहुत सारे अधिकारी ऐसे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, कुछ लोग तो आरएसएस के उसमें जाके और वहाँ जाके अपना प्रेजेंटेशन देते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी संगठन में जाके वो देते थे। ये लोगों का हालत है, और लूट मचाई ऐसे अधिकारियों ने पिछले पूरे कार्यकाल में, किसानों को लूटा, 5-5 साल तक एक विभाग में अधिकारी रहा, और आज उद्योग विभाग का मुखिया बन के बैठ गए हैं। तो ये हालत है, पैसे से पैसा कमा रहे हैं अधिकारी, इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि आपको कल्पना भी आप नहीं कर सकते, और प्रदेश गर्त में जा रहा है, और लोग देख रहे हैं, तो इससे हम क्या समझें। अभी परसों नरसों मेरे को एक अभी हनी ट्रैप की बात हो रही थी, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑडियो वीडियो देखने को मिला, और क्या क्या उसमें बात आ रही थी, क्यों नहीं जांच होती,
क्यों नहीं अखबारों में, मैंने अखबार में नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो सारे आम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अखबार वाले एक एसीएस का आया था पीछे, उसको तो कर हटा बटा दिया, और ऊपर की भी कहानी आ रही है इसमें, इसमें ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये इसलिए इस पर लिपापोती हो रही है सारी, और इतना करप्शन का ये सब जो जाल बिछाया हुआ है, इसमें अधिकारियों का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आपने कही है, और वाकई मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और इस चर्चा का सार भी यही निकल कर आया है, जिस बेबाक तरीके से डब्बा साहब ने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स में भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो जमकर भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, और इस तरीके के हनी ट्रैप और इन उपायों के जरिए अपने जिसको कहें अय्याशी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बीजेपी में चल रहा था ये दौर, वही जो है वो कांग्रेस में भी चल रहा है, इससे लोगों को ये भी एहसास नहीं हो रहा है कि वाकई एक अच्छा पारदर्शी प्रशासन लोगों को मिल रहा है। यहाँ एक बात और भी उठती है कि हाई कमान इन सब चीज़ों को बारीकी से देख भी रहा है और वो समझ भी रहा है, परंतु कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विभिन्न गुटों में बटे हैं, वो अपने हितों के चलते उन सामूहिक बातों को, जो जनता की बात है, उनको एक मंच पर नहीं ला पा रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विवाद खबरें निरंतर जारी रही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।